आज के वीडियो में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आलिया भट्ट के क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड की बबली एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस समय प्रेग्नेंट हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में भी वो जिस तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन आलिया भट्ट इन सब के कारण अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट की हेल्थ कंडीशन इस समय काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आलिया भट्ट के रिसेंटली एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि उज्जैन से वापसी पर आलिया और रणबीर को पापराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया और पापराजी ने जब उनसे पिक्चर्स लेने को कहा तो रणबीर कपूर ने बताया कि आलिया की कंडीशन ठीक नहीं है और उनकी बैक पे पेन हो रही है, उसके कारण वो रुके नहीं। और अगर हम वीडियो को ध्यान से देखें तो आलिया भट्ट के आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं और उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और वो बहुत ही मुश्किल से चल रही हैं। रणबीर का हाथ पकड़े हुए है और उनकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भरी है और आंखें लाल हुई पड़ी है। आपको बताते चले कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी के बाद बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया और आलिया भट्ट को तो सलाम है कि उन्होंने शादी के बाद प्रेगनेंसी के बाद भी एक दिन का सुकून नहीं लिया। और वो जिस तरह से काम कर रही हैं, पहले अपनी शूटिंग्स को खत्म कर रही थी और अब वो ब्रह्मास्त्रा को जिस तरह से प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही हैं, इससे तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक इंसान जितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, पहले उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए। बट आलिया भट्ट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा और अब उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा सफर कर रही है। आलिया भट्ट प्रेगनेंसी के 4th-5th मंथ में है और इस समय उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन आलिया भट्ट अपनी प्रमोशंस में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उन्होंने अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और अब उनकी कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है। और रिपोर्टेडली ये बता दिया गया है कि उन्हें डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बेड रेस्ट बता दिया गया है कि उन्हें अब कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने जिस कदर इस तरह मेहनत की है और जिस तरह उन्होंने काम किया है और जिस तरह वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले पा रही हैं, उन्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उनके और उनके बेबी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये है कि आलिया भट्ट डॉक्टर्स की ये बात मानती हैं या फिर वो अपने किसी ना किसी काम में बिजी नजर आएंगी। वी विश अ हेल्दी एंड सेफ बेबी टू आलिया भट्ट एंड वी प्रे कि वो अपने बेबी के लिए रेस्ट करें। आपको आलिया भट्ट की हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकर कैसा लगा और आप आलिया भट्ट के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूले।